us from heat of the suns, colds, rain, insect bites, etc. हम इसी की सुरक्षा के लिए, हम अपने शरीर की सुरक्षा के लिए, इन सब से बचने के लिए हम लोग वस्त्र पहनते हैं, यानी कपड़े पहनते हैं। उसके वैरायटी ऑफ क्लॉथ, वैरायटी विभिन्नता है। क्लॉथ ऑल टाइप क्रैक क्लॉथ ऑल टाइप्स ऑफ क्लॉथ डिपेंड ऑन द वेदर क्लाइमेट एंड कंडीशन ऑफ द प्लेस वी आर लिविंग। जहां पर जिस जगह पर हम लोग रहते हैं वहां का क्लाइमेट क्या है, वहां क्लाइमेट की कंडीशन क्या है, वहां का वेदर क्या है, इसके ऊपर भी कपड़े निर्भर करते हैं। अगर हम लोग ठंडे प्रदेश में रहते हैं, हमारा एडप्टेशन ठंडे क्षेत्र का है, तो हमारा यूनिफॉर्म भी उसी प्रकार से होता है, इसलिए एक्सट्रीमली कॉल्ड होता है। हमारे शरीर को ठंड से बचे इसके लिए हम उस प्रकार के कपड़े को पहनते हैं। तो ये निर्भर करता है वेयर लिविंग है, कहाँ आप रहते हैं उस जगह के आधार पर वो डिपेंड करता है कि आप कैसे वस्त्र पहनते हैं। नियरली द वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द प्लेस वी आर लिविंग। ठंड में रहते हैं वूलन कपड़े, फर के कपड़े है ना, सिल्क कपड़े पहनते हैं। अगर हम लोग गर्म जगह पर हम ज्यादा रहते हैं तो यूज करते हैं कॉटन क्लॉथ, और जहाँ पर मध्यम होते हैं ना ठंड ना ज्यादा गर्म, तो हम लोग वैसे जगह पर सिंथेटिक फैब्रिक का कपड़े पहनते हैं। तो उस अनुसार से देखा जाए तो कपड़े की कैटेगरी को दो भाग में बांटा गया, एक क्लॉथ मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स और दूसरा क्लॉथ मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल यानी प्राकृतिक के अनुसार से, तो प्राकृतिक के अनुसार से क्लॉथ कम्स फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। जो नेचुरल फाइबर होते हैं, नेचुरल कपड़े जो होते हैं, वो हमें पेड़ से या जानवर से हम लोगों को प्राप्त होते हैं, वो नेचुरल हो गए। एंड नेचुरल प्राकृतिक के द्वारा आपने नहीं दिया, पेड़ पौधे ने दिया, आपने नहीं दिया, वो जानवर दिया, इसलिए वो नेचुरल। तो नेचुरल फैब्रिक आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। ये कहां से प्राप्त होते हैं, प्लांट से प्राप्त होते हैं और एनिमल से प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्लॉथ मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स। कल एग्जांपल के लिए हमने लिखा ऊल सिल्क फर बाय एनिमल्स, ऊल के कपड़े, ऊनी ऊनी कपड़े, ऊनी वस्त्र, सिल्क के कपड़े, फर वाले वस्त्र, ये हमको जहां प्राप्त होता है एनिमल्स, कॉटेज, लिनेन, ये जो प्राप्त होते हैं हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं नेचुरल फाइबर्स। देयर यूजेस क्या, कैसे यूजेस है, समर के दिन जब आती है, गर्मी का दिन आता है, तो हम लोग अधिकांश मोस्टली जो पर्सन होते हैं हम लोग कॉटन क्लॉथ का उपयोग करते हैं, यानी सूती वस्त्र पहनते हैं। सूती वस्त्र इसलिए पहनते हैं, कॉटन इसलिए पहनते हैं कि गर्मी में अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाती है, दूसरी हमारे शरीर से जो बाहर स्वीट निकलता है, पसीना निकलता है, उस पसीने को वो क्लॉथ ऑब्जर्व कर लेती है, और दूसरे टाइप की क्लॉथ रहेगी वो ऑब्जर्व नहीं करेगी, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होगा, शरीर के अंदर ही सूख जाएगा, बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। और वो कपड़े उसको सुखा लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, हमारे लिए फायदेमंद होता है। तो समर के सीजन में हम लोग ऐसे ही लाइट क्लॉथ पहनते हैं और कॉटन क्लॉथ हल्के कपड़े और सूती वस्त्र पहनते हैं। तो समर में हो गया क्वार्टर लिविंग। विंटर सीजन आती है, जब जाड़े के दिन आते हैं, तो हम लोग सिल्क या ऊन क्लॉथ का उपयोग करते हैं, इसलिए उस समय हमें ठंड से बचना है, हमारे ठंड से प्रोटेक्शन करना है हमको, कि हमारे शरीर में कुछ किसी प्रकार का प्रतिक्रिया हमारे शरीर को ना हो, तो हम उस प्रकार से सिल्क या ऊन या फर क्लॉथ का उपयोग हम करते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल है क्लॉथ मेड फ्रॉम द नेचुरल फैब्रिक। उसके बाद आता है क्लॉथ मेड फ्रॉम दी सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर यानी मैनमेड केमिकल बॉन्ड, ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया और केमिकल से तैयार किया गया, रासायनिक पदार्थ से तैयार किया गया। ये बहुत ही कंफर्टेबल तो होते हैं, लाइट भी होते हैं, लेकिन क्लाइमेट ऑफ वेदर के अनुसार से, क्लाइमेट के अनुसार से ये वस्त्र हमारे लिए नुकसानदेह भी होते हैं। अब गर्मी के दिनों में आ जाइए,
गर्मी के दिनों में हम इस प्रकार के नायलॉन पॉलिएस्टर के कपड़े अगर पहनते हैं तो हमारे शरीर का बीमारियां हो जाए। ये पाउडर को ऑब्जर्व नहीं करेगा, हमारे शरीर से स्पिरिट को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, अंदर में ही सूख जाएगा, जो हमारे लिए नुकसान होता है। जो शरीर से वेस्ट मटीरियल बाहर निकल जाता है, रिमूवल आउट हो जाता है, वो पूरा शरीर के अंदर नहीं चला जाता तो शरीर के लिए वो जहरीला होता है, नुकसानदेह ही होता है। तो कहता है क्लॉथ मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर दिस टाइप्स ऑफ फैब्रिक आर मैनमेड या सिंथेटिक। इसको मैनमेड बोलते हैं, मनुष्य द्वारा बनाया, या सिंथेटिक इसको बोलते हैं। एग्जांपल के नायलॉन, आयरन, पॉलिएस्टर, ये सारे जो है, लेकिन इसमें एक एडवांटेज है और इसकी एबिलिटी है, इसका प्रॉपर्टी है, गुण है। इसका ये गुण है कि ये वाटरप्रूफ होता है और स्ट्रेचेबल होता है। वाटरप्रूफ, इससे ना पानी बाहर जा सकते हैं, बाहर का पानी अंदर आ सकते हैं, यानी प्योर वाटरप्रूफ होता है। और स्क्रेबल जो होता है, घिसने पर इसकी थोड़ी सी आकृति बढ़ जाती है, ये इसकी एबिलिटी होती है, इसका ये प्रॉपर्टी होता है। उसके बाद आता कि कपड़े का हमारा रख रखाव कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से कपड़े को अपने सुरक्षित रह सकते, उसको गिवन भी सम पॉइंट भी गिवन दिया कि सम पॉइंट ऑफ है ना कि भी क्लॉथ। नंबर एक, क्लॉथ शुड बी वॉश्ड प्रॉपर्ली। कपड़े को नियमित समय पर, नियमित दिन उसकी सफाई होनी चाहिए, धोने होनी चाहिए, धुलाई होनी। नहीं, ये नहीं कि कपड़ा पहन के 10 दिन से पहन रहा है तो आपके शरीर से निकला हुआ वेस्ट मटेरियल बाहर के द्वारा वेस्ट मटेरियल, इन सबों से आपके वस्त्र खराब हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, इसलिए इनको प्रॉपरली वॉश होनी चाहिए। दूसरा, यूज मिल्ट सॉप या डिटर्जेंट करा डिटर्जेंट एंड वाटर्स टू वॉश देम। इनकी सफाई के लिए सॉप, कपड़े धोने के साबुन या सर्फ, डिटर्जेंट यानी पाउडर, इसके सही कपड़े और मैंने सही साबुन और सही जो है इसका आपका सर का उपयोग करना चाहिए पानी के साथ। क्लॉथ शुड नॉट बी टाइट वन कंफर्टेबल फिट, और हो सके तो जो कपड़ा आप पहनते हैं, वो वस्त्र पहनते हैं, वो कस तंगी कपड़े ना पहने, टाइट बने, कस कर कसा हुआ कपड़ा नहीं पहने। उससे क्या होगा, एक तो आपके शरीर को ग्रो नहीं हो पाएगा, दूसरे में शरीर से वेस्ट मटेरियल निकालने में बहुत असुविधाएं होगी, कपड़ा जब लूज होता है तो एयर अच्छा से पास करता है, यानी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा। अगर कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा तो हम लोग अपने आप को अंदर से कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। क्लॉथ मस्ट बी आयरन बिफोर यूजिंग, कपड़े पहनने से पहले जब धो लिया, वॉश कर लिया, सुखा लिया, तो उसको पहनने से पहले उसको आयरन करना। आयरन का मतलब होता है लोहे से उसको गर्म कर आयरन। इससे क्या होता है कि अगर कोई जर्म बचा हुआ भी रहता है, उस आयरन के माध्यम से सारे जर्म मारे जाते हैं और कपड़ा भी देखने में अच्छा लगता है, एक सही तरीका संस्कारी वस्त्र की तरह देखने में लगता है। उसके बाद कहता है बी शुड नॉट वियर वेट क्लॉथ, दे आर नॉट दे आर एज दे मेक ऑफ इट इज। हम लोगों को भीगे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, भीगे कपड़े पहनने से हमारे शरीर में इटीचिंग यानी इनोचिंग की बीमारी शुरू हो जाती है और वो आपका जो स्किन इफेक्ट हो जाता है आना, जिसके कारण आपके स्किन में स्किन डिजीज बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। तो ये हमारे शरीर वस्त्र थे, हमें वस्त्र की क्यों आवश्यकता होती है, वस्त्र हम लोग क्यों पहनते हैं, वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं, कौन से समय में कौन सा वस्त्र पहना जाता था, किसका कौन वस्त्र से वो आइडेंटिफाई होता है, कपड़े का कैसे रख रखाव होने चाहिए, इन सारे बिंदुओं पर मैंने अभी इसमें डिस्कस किया और ये चैप्टर यहाँ पर आकर समाप्त होती है। हैव ए नाइस डे, गुड बाय, स्टे होम।